ओके एलगी, मैं हमें चार चीजें स्टडी करनी है, जनरल करेक्टरिस्टिक्स, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल और क्लासिफिकेशन। जनरल करेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे अपन ने, अब क्या बताने जा रहा हूं मैं, बोलो आपको, रिप्रोडक्शन। क्लियर? रिप्रोडक्शन इन एलगी, ठीक है। बोलो शैवालों, ठीक है, शैवालों में जनन, ठीक है। अब आपको मैंने कहा पहली पहली बार जो ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्गी, फिर फंजाई, तो एक बार उसको पढ़ने से आपके सब लॉजिक बन जाएंगे कि रिप्रोडक्शन में पढ़ा क्या जाता है। बात समझ में? तो एल्गी में तीन टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो मैंने कहा शैवालों में जन्म, ठीक है, थ्री टाइप्स। ओके, थ्री टाइप्स कौन से बोलो? पहला लिखा मैंने कायिक जनन, ठीक है। अब आप 15-20 मिनट पूरा इधर ध्यान देना। बोलो पहला कौन सा लिखा मैंने? बोलो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर? रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है अलैंगिक जनन। क्लियर? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है? बोलो लैंगिक जनन। क्लियर? बोलो लैंगिक जनन। बात समझ में? लैंगिक जनन मतलब कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? चलो बताओ अपने में कौन कौन सा होता है, बोलो। ये दोनों तो सपने में भी मत सोचना, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए? बोलो क्लियर। ओके, तो अभी हम किस में पढ़ रहे हैं? एल्गी। बात समझ रहे ना? तो इसका मतलब पहले ये तीन देखने हैं, क्लियर। और इनको देखने के दौरान आपको समझ में भी आएगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है, असेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है। क्लियर? तो यहाँ पर पहला मैंने कहा कौन सा बता रहा हूं मैं? बोलो कायिक जनन। क्लियर? बोलो कायिक जनन। ओके, तो आपको मैंने कहा आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट में बदल जाता है। क्लियर? बोलो एज सच कुछ भी इसमें गैमेट्स वगैरह कुछ भी ना, कोई स्पोर वगैरह कुछ भी नहीं बनते हैं। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? कायिक जनन। मैंने कहा बॉडी, ठीक है, का कोई 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 भी पार्ट, मैंने कहा पार्ट मतलब कैसा पार्ट? बोलो वेजिटेटिव पार्ट मतलब कायिक भाग। क्लियर? बोलो रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव। क्लियर? रिप्रोडक्टिव यूनिट। बोलो रिप्रोडक्टिव यूनिट मतलब जनन इकाई, ठीक है। बोलो में चेंज चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बोलो कायिक जनन कहते हैं। क्लियर? रिप्रोडक्टिव, बोलो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब समझ गए कि कोई भी पार्ट जो वेजिटेटिव पार्ट है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट में बदल जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं? कायिक जनन। तो यहाँ पर एल्गी के अंदर वो कितने टाइप्स का होता है? पांच टाइप का होता है। मैंने लिखा टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर? बोलो यहाँ पर, ठीक है, इन एल्गी, ठीक है, क्या लिख रहा हूं? बोलो मैंने कहा शैवालों में कायिक कायिक जनन। क्लियर? कायिक जनन के प्रकार। क्लियर? कितने टाइप बता रहा हूं? पांच टाइप। सबसे पहला मैंने लिखा खंडन द्वारा। क्लियर? बोलो पहला मेथड कौन सा लिखा? खंडन द्वारा, भाई मैंने कहा आपको फिशन। क्लियर? दूसरा लिख रहा हूं विखंडन द्वारा। क्लियर? बोलो विखंडन द्वारा, बोलो बाई फ्रैगमेंटेशन। क्लियर? फ्रैगमेंटेशन, एक एक अच्छे से समझाऊंगा अभी आपको। क्लियर? तीसरा मैंने लिखा हार्मोगोनिया। क्लियर? हार्मोगोनिया द्वारा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मैंने कहा बोलो हार्मोगोनिया। क्लियर? बोलो भाई हार्मोगोनिया, ठीक है, क्या होती है ये अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद मैंने लिखा अपस्थानिक, बोलो मैंने कहा शाखा, बोलो त्वाओ द्वारा। क्लियर? बोलो मैंने कहा बाई एडवांटेजेस, बोलो आपको मैंने कहा ब्रांचेज। क्लियर? बोलो बाई एडवांटेजेस ब्रांचेज। और मैंने लिखा कंद द्वारा। क्लियर? बोलो बाई मैंने कहा आपको ट्यूबर। क्लियर? ये पांच मैंने टाइप लिखे हैं। क्लियर? अब आपको मैंने कहा देखो समझना, पहला मैंने लिखा आपको खंडन, बोलो खंडन द्वारा। क्लियर? खंडन द्वारा मतलब क्या बोला मैंने? बाई फिशन। क्लियर? ओके, क्या होगा बोलो?
देखो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि खंडन एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है, कि कैसे होता है और किस में होता है, हर एक में हमें एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो मैंने कहा इसमें क्या होगा, बोलो ये आपको मैंने कहा, बोलो ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस हुआ, ये बोलो आपका सेल हुई। क्लियर? बोलो इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे क्या होगी, बोलो खाच बनेगी। क्लियर? बोलो क्या बनेगी, खाच बनेगी। क्लियर? और साथ के साथ न्यूक्लियस में भी क्या बनेगी, खाच बनेगी। क्लियर? ओके 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 ओके, और देखते ही देखते वो खाच गहरी होती जाएगी। क्लियर? ओके, और ये दो न्यूक्लियस, ठीक है, और फिर जाकर के ये अलग हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आए? तो यहां पर ये क्या बनी, बोलो खाच। क्लियर? तो इंग्लिश में बोलो तो क्या बनी, बोलो फ्लू। बात समझ में आए? क्लियर? इस मेथड को क्या कहते हैं, बोलो खंडन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो खंडन द्वारा। क्लियर? खंडन द्वारा मतलब समझ गए, बोलो बाय फिशर। क्लियर? खाली खाच बनी और एक से दो हो गए। क्लियर? तो यहां पर ऐसा किस में मिलता है, बीजीए। किस में मिलता है, बीजीए। बीजीए मतलब समझ गए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, नंबर टू मैंने लिखा यहां पर विखंडन द्वारा। क्लियर? विखंडन द्वारा मतलब बाय फ्रैगमेंटेशन। क्लियर? क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो फ्रैगमेंटेशन। क्लियर? मैंने कहा इसमें क्या होगा, इसमें सपोज दैट ये कोई बोलो फिलामेंटस है। क्लियर? ये बोलो एल्गी का क्या है, बोलो थैलस है, जो कैसा है, फिलामेंटस है। क्लियर? बोलो एल्गी की बॉडी क्या होती है, थैलस होती है, और एल्गी की बॉडी क्या होती है, थैलस होती है। क्लियर? तो मैंने कहा ये तंतुमय थैलस। क्लियर? बोलो क्या बोला मैंने यहां पर, फिलामेंटस। बोलो आपको मैंने कहा थैलस, क्या बोला, फिलामेंटस थैलस है। क्लियर? ओके, तो क्या होगा, बोलो ये फिलामेंटल थैलस छोटे 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 टुकड़ों में इस तरह से विखंडित होगा। क्लियर? क्या हो रहा, बोलो फिलामेंटस का विखंडन, और हर एक जो भी आपका फिलामेंट टुकड़ा बना है वो क्या बनाएगा, नया थैलस। क्या बनाएगा, नया थैलस। नया थैलस का मतलब नया एल्गी। क्लियर? तो आपको इस मेथड को क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, बोलो विखंडन द्वारा। बात समझ, हर एक फ्रेगमेंट, ये जो हर एक फ्रेगमेंट ये क्या है, बोलो मैंने कहा, बोलो खंड। खंड मतलब क्या है, बोलो फ्रेगमेंट। क्लियर? क्या है, बोलो फ्रेग, बोलो मेंट। क्लियर? वो किस में बदल जाएगा, नए थैलस में। किस में बदल जाएगा, नए थैलस में। क्लियर? तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे सरल प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, कोई मादापोड़ी नहीं है। बात समझ में, ये जो मादापोड़ी वो सेक्सुअल में होती है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजन होता है। और समझे समझे, बोलो क्लियर? तो ये तो एकदम सिंपल है, बोलो क्लियर? ऐसा किस में मिलता है, मैंने कहा एग्जाम्पल वॉलवॉक्स। क्या लिखा मैंने, वॉलवॉक्स। क्लियर? यूलोथ्रिक्स। क्लियर? क्या लिखा, यूलोथ्रिक्स। क्लियर? और मैंने लिखा नॉस्टॉक। क्लियर? नाम सुने, बोलो ये कौन है, वॉलवॉक्स। क्लियर? ये कौन है, बोलो यूलोथ्रिक्स। ये सब के सब एल्गी है। क्लियर? और ये कौन है, बोलो नॉस्टॉक। ठीक है, बात मेरी समझ में आए? बोलो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा तीसरा, हार्मोगोनिया। क्लियर? बोलो भाई हार्मोगोनिया। ठीक है, क्या लिखा मैंने, बोलो मैंने कहा हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया, ठीक है, द्वारा। समझना मेरी बात को, हार्मोगोनिया इंपॉर्टेंट है। इसका पूछा जाता है किस में होता है, तो पहले हार्मोगोनिया को तो समझे, ये हार्मोगोनिया क्या चीज है। क्लियर? तो क्या होता है, ऑसिलेटोरिया। नाम सुना बोलो, ऑसिलेटोरिया। नाम सुना नहीं सुना, बोलो बोलो साइनोफाइसी का एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया। उसमें क्या होता है, देखो इसमें और फिलामेंटस में अंतर समझना। क्लियर? ये बोलो फिलामेंट है इसका। क्लियर? ये क्या है, बोलो इसका फिलामेंट है। क्लियर? बोलो थैलस है, कैसा है, ये फिलामेंट है। क्लियर? फिलामेंट है, फिलामेंट है, अरे फिलामेंट है, फिलामेंट है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि बोलो यहां पर, बोलो इस फिलामेंट के अंदर कोई भी जो ये आपका इस तरह से मैंने कहा बीज का जो है वो जो आपका भाग है वो इस तरह से क्या फूल जाता है। क्लियर? क्या कर जाता है, बोलो फूल जाता है। ठीक है, म्यूसिलेज से भर जाता है, उसमें फूल जाता है। क्लियर? ओके, तो मेरी बात को समझना, इस तरह से क्या हुआ, बोलो ये फिलामेंट था, ये फिलामेंट था। क्लियर? ये फिलामेंट था, ठीक है। ये क्या हुआ, इसके अंदर ये बीच में से क्या हुआ, ऐसे बोलो
म्यूसिलेसिस भर करके फूल गया, तो इसको बोलते हैं सेपरेटिंग डिस्क। क्या बोलते हैं? सेपरेटिंग डिस्क। क्लियर? सेपरेटिंग डिस्क। बोलो, मैंने कहा पृथक 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 होने होने वाली डिस्क। क्लियर? तो ये पृथक होने वाली डिस्क है, तो डेफिनेटली ये क्या होगी? बोलो, वीक होगी कि स्ट्रॉन्ग होगी? वीक होगी। क्लियर? तो ऐसी क्या होगी? बहुत सारी सेपरेटिंग डिस्क बनेगी, तो इनके जो बीच का पार्ट है उसको बोलते हैं हार्मोगोनिया। क्या बोलते हैं? हार्मोगोनिया। जितने ये बीच के हार्मोगोनिया बनेंगे, बोलो, जैसे ये डिस्क सेपरेट होगी, ये क्या बना देगा? नया थैलस। ये क्या बना देगा? नया थैलस। और समझे? समझे? देखो, इसमें इसमें अंतर समझ में आया? इसमें तो क्या था? ये फिलामेंट था, जितने टुकड़ों में टूटा, हर एक ने क्या बना दिया? नया थैलस। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। और हार्मोगोनिया क्या हुआ? बोलो, जो पर्टिकुलर किसमें होता है? ऑसिलेटोरिया में। इसमें क्या होता है? ये फिलामेंट होता है, बीच बीच में जो फिलामेंट होता है वो बोलो म्यूसिलेसिस से भर के और सेपरेटिंग डिस्क बना देता है, बोलो, वीक जो होती है। और जब ये डिस्क अलग होती है तो जो बीच के भाग होते हैं हार्मोगोनिया कहलाते हैं, जो क्या करते हैं? नया थैलस बना देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बनेंगे, बोलो। क्लियर? जैसे अभी मैं सेपरेटिंग डिस्क यहाँ बना देता, तो ये भी बीच का पार्ट क्या कहलाता? हार्मोगोनिया। क्या कहलाता? हार्मोगोनिया। तो ऐसा किस में होता है? बोलो, ऑसिलेटोरिया। क्लियर? तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ऑसिलेटोरिया के अंदर कौन सा कायक जनन होता है? ऑसिलेटोरिया। क्लियर? ऑसिलेटोरिया क्या होता है? साइनोफाइसी का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है? साइनोफाइसी का। किसका होता है? साइनोफाइसी के। साइनोफाइसी के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, एनाबिना, नॉस्टॉक, स्पाइरुलिना। आगे जाकर मैं आपको जब साइनोफाइसी क्लासिफिकेशन में सारे एग्जाम्पल बताऊंगा। एक बार तीन समझ में आया? बोलो, आपको पांच बताने, मैंने तीन बताया, समझ में आया? बोलो, क्लियर? ओके, तो आप क्या करोगे? नोट करोगे। क्लियर? कहानी क्या चल रही है? पहले जनरल करेक्टरिस्टिक्स देखे थे अपने एक दो क्लास में, और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोलो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन इन एल्गी। क्लियर?
ओके इनमें मैंने सब एक ही को इंपॉर्टेंट लगाया, वो कौन सा है बोलो? हार्मोगोनिया। क्लियर? बात समझ? क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है, पढ़ना हमें सब है लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है? ओके नेक्स्ट करूं? ठीक है, ओके ये अंदर ये गोल गोल क्या है? या जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस एक ही बात है? बोलो। क्लियर? बात समझ में आए? बोलो आपको। ठीक है, बन गया? जैसा नाम वैसी पहचान, फ्रेगमेंटेशन। बोलो, जितने फ्रेगमेंट में टूटेगा उतने ही नए थैलस बनेगा। कायिक जनन बिल्कुल सिंपल होता है। क्लियर?
ओके यही सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हार्मोगोनिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन किस एल्गी में मिलता है, या ऑसिलेटोरिया में कौन सा कायिक जनन मिलता है। पढ़ा मैं सारे पांच रहा हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हार्मोगोनिया क्या हुआ बोलो, समझ में? वो पार्ट जो दो सेपरेटिंग डिस्क के बीच में होता है, ठीक है। ओके, ऑसिलेटोरिया क्या होता है बोलो? साइनोफाइसी। और बोलो क्या होता है? साइनोफाइसी। क्लियर? मेरी बात समझ में आए बोलो? हाँ, ये यहां से हटी, ये यहां से हटी, ये छोटा सा भाग हार्मोगोनिया, वो नया थैलस बनाएगा। यहां भी डिस्क बनी तो ये वाला पार्ट हार्मोगोनिया। जितने डिस्क बनेंगे उससे ही हार्मोगोनिया बनेंगे। हार्मोगोनिया का मतलब है पार्ट बिटवीन टू सेपरेटिंग डिस्क। और समझे समझे बोलो? क्लियर? और इसमें तो क्या था बोलो, कि जितने टुकड़ों में टूटा सब क्या बना रहे थे? नया थैलस। समझ में आया? तो हार्मोगोनिया थोड़ा स्पेशल है, इसलिए एग्जाम में आता है। क्लियर? मेरी बात समझ में है बोलो? ऑसिलेटोरिया क्या होता है बोलो? साइनोफाइसी। क्लियर? मुझे कैसे पता चलता है साइनोफाइसी है? तो मेरे क्या है, दिमाग में सबका लॉजिक है। क्लियर? तो आपको थोड़ा बीच बीच में बताता रहूं, ताकि क्लाइमैक्स में आपको काम इजी रहे। इधर ध्यान दो, मैंने कहा आपको, यहां पर मैंने लिखा ये क्या लिखा बोलो? सोनम के सनम, सोनम। बात समझ में? और जो सोनम है वही साइनोफाइसी के एग्जाम्पल है। बोलो एस का मतलब क्या है? स्पाइरुलिना। क्लियर? ओक का मतलब ऑसिलेटोरिया। क्लियर? एक का मतलब नॉस्टॉक। क्लियर लिखा? नॉस्टॉक। क्लियर? नॉस्टॉक। एक का मतलब एनाबिना। क्या लिखा? एनाबिना। एम का मतलब माइक्रोसिस्टिस। ध्यान रखना, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है बोलो? साइनो साइनोफाइसी। क्लियर? तो अभी अपना इसमें ये समझ में आया बोलो? कहीं मैं ये नाम भी बोलूंगा स्पाइरुलिना, तो आप समझ जाओगे ये भी कौन है? साइनोफाइसी है। क्लियर? ओके, ये किसकी ट्रिक बताई मैंने? साइनोफाइसी के एग्जाम्पल मेंबर्स की। क्लियर? जो ट्रिक लिखी वो क्या है? सोनम है ना। ये मैंने क्यों लिखा समझ में आया? इन सबको किस नजर से देखोगे? माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस। क्लियर? ये अपनी एनाबिना, नाम सुना नहीं सुना? एनाबिना। ये कौन है? नोस्टॉक। एनाबिना, नोस्टॉक तो सबका पता ही रहता है, ऑसिलेटोरिया और
ये क्या है? स्पाइरुलिना। ये क्या है? स्पाइरुलिना। क्यों फेमस है जानते हो? सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है इसके अंदर। बोलो आज जितने भी प्रोटीन एक्स पाउडर के डब्बे आते हैं सब में इसी का पाउडर आता है। अरे समझे समझे, 75% से ज्यादा इसमें प्रोटीन होता है। क्लियर? ओके वापस आ जाए। बोलो, ये मैं बीच बीच में क्या बता रहा हूँ समझ में आया? लेटर ऑन जब मैं सारी क्लास पढ़ाऊंगा तब तो सारों के एग्जाम्पल एक साथ बताऊंगा ही बताऊंगा, बट थोड़ा अभी से याद होता रहे तो एक दो दिन में आपका काम इजी हो जाएगा। क्लियर? अभी ओसिलेटोरिया को मैंने साइनोपाइसी बोला, तो और को किसको, किस किस को साइनोपाइसी की नजर से देखोगे? सोनम को। किसको देखोगे? सोनम को। क्लियर? सोनम में आ जाएगा सब। बात समझ में आए? ओके, अब मैंने कहा दो मेथड और है, ठीक है? वापस ध्यान दो। एक क्या लिखा मैंने? बोलो बोलो, अपस्थानिक शाखा द्वारा एडवांटेजेस। बोलो, मैंने कहा यहां पर अपस्थानिक, क्लियर, शाखाओं, बोलो द्वारा, ठीक है, द्वारा। क्लियर? मैंने कहा बाय एडवांटेजेस ब्रांचेस। क्लियर? ओके, इधर देखो। और एक फिफ्थ वाला कौन सा बता रहा हूं? बोलो, कंद द्वारा। किससे? बोलो, कंद द्वारा। क्लियर? बाय ट्यूबर। क्लियर? इधर ध्यान दो, मेन एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। बोलो, अपस्थानिक शाखा समझते हो? ये कोई थैलस है, इसके साइड में ये कोई ब्रांच बनी और यही अलग होकर के क्या बना दिया? नया थैलस बना दिया। और समझे समझे बोलो। क्लियर? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो यही होता है, कोई मिलन विलन कुछ नहीं। समझ में आया? बोलो। और समझे समझे बोलो। क्लियर? ये मैंने क्या बनाया समझ में आया? अपस्थानिक शाखा तुम्हारी इच्छा वैसी बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो क्या है? थैलस है। क्लियर? और ये जो बनी वो क्या बनी? बोलो, अपस्थानिक शाखा। क्लियर? और वही अलग होकर क्या बना दिया? नया थैलस। और समझे समझे, ऐसा किस में मिलता है? फ्यूकस में। किस में मिलता है? फ्यूकस। बोलो, एल्गी में मिलता है। क्लियर? अब मैंने कहा कंद द्वारा, कंद में क्या होगा? बोलो, सपोज दैट ये मैंने कहा आपको थैलस है। क्लियर? बोलो थैलस है, ठीक है। इस थैलस में या नोड पर क्या बना? ट्यूमर बना। क्लियर? और फिर उसने अलग होकर के क्या कर दिया? वापस आपका क्या बना दिया? थैलस बना दिया। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ क्या बना दिया? बोलो, थैलस बना दिया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, इसको क्या बोलूंगा? ये सेपरेट होगा और नया थैलस बना दिया, तो इसको क्या बोलूंगा? कंद द्वारा। ऐसा किस में होता है? बोलो, कारा में। किस में होता है? कारा। क्लियर? नाम सुना? बोलो, ये कोई हीरोइन नहीं है, ये कौन है? एल्गी है, जिसका नाम क्या है? कारा। जल्दी में कायरा मतलब लिख देना, ये क्या है? कारा है। क्लियर? ओके, नोट करोगे? हाथ खड़ो किस किसने इसका नाम सुना है पहले। वेरी गुड, मजा आ गया, ठीक है। हीरोइन का नाम लू तो हाथ बहुत सारे खड़े करते हैं, एल्गी का नाम लू और खड़ो तो मजा आता है। क्लियर? अभी मैं बोलता माधुरी दीक्षित का नाम, सबके हाथ खड़े होते हैं। क्लियर? समझ में आई मेरी बात? तो कायिक जनन समझ में आया? बोलो आपको, कायिक जनन के पांच टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? हाँ, हार्मोनिया। वो किसमें मिलता है? ओसी लेटोरिया में। क्लियर?
ऑसिलेटोरिया किसका मेंबर, किसका एग्जांपल है? साइनोफाइसी। क्लियर, साइनोफाइसी के और कौन से हो गए, समझ में आया? बोलो। ओके, हटा दूं मैं, बोलो ये ठीक है, ये ऐसा ऐसा और क्या बना दिया, समझ में आया? बोलो। अरे ये ट्यूमर अलग हुआ और फिर थैलस बन गया, बोलो ये क्या बन गया? बोलो न्यूथैलस। ठीक है, क्योंकि एल्गी की बॉडी क्या होती है? थैलस होती है। बस ऐसा किसमें मिलता है? कारा में। तो कारा में कौन सा कायिक जनन मिलता है? कंद द्वारा। फ्यूकस में कौन सा मिलता है? अपास्थानी गुण। किसी का एग्जाम्पल लेंगे तो नाम बोलो चार, ऐसा जो मैंने पांच नाम बताए वही ऑप्शन में होता है। ऑसिलेटोरिया में कौन सा मिलता है? हॉर्मोगोनियम। क्लियर, ओके, हो गया ये नोट। बोलो अब इधर ध्यान देना, दूसरा कौन सा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन। बात समझ ना, होगा क्या कि जैसे ही हम जनन इसमें पढ़ रहे हैं, फंजाई में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट सब में पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप ही आपको इन रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल में, एसेक्सुअल में क्या नाम आते हैं, अपना प्यार होने लगेगा। क्लियर, तो पहली पहली बार ही दिक्कत आती है, एक बार आपको अच्छा लगने लग गया, इनसे प्यार हो गया, फिर ये नाम सब अच्छे लगेंगे। क्लियर, अब पहले इधर देखो मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मैंने कहा यहां पर समझना स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर, बोलो क्या बोला मैंने? बीजाणु निर्माण। क्लियर, बोलो स्पोर फॉर्मेशन। बोलो मैंने कहा किसमें? इन स्पोरेंजिया। किसमें होता है? बोलो इन स्पोरेंजियम में। क्लियर, किसमें होता है? स्पोरेंजियम में। क्लियर, बोलो किसमें होता है? बीजाणु धानी। क्लियर, बीजाणु धानी में। क्या बोला मैंने आपको? बोलो यहां पर क्या होगा? स्पोर का फॉर्मेशन होगा। किसमें बता रहा हूं? बोलो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन होगा। किस में होगा? बोलो स्पोरेंजियम में, बीजाणुधानी में। फिर क्या होगा? बोलो इस स्पोर में क्या होगा? जर्मिनेशन। क्या होगा? बोलो जर्मिनेशन, अंकुरण होगा। क्लियर, बोलो क्या होगा? अंकुरण, और उससे क्या बन जाएगा? न्यू थैलस। क्या बन जाएगा? न्यू थैलस। क्लियर, बोलो नया थैलस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब आपको इसमें किस टाइप पे होंगे कि भाई कैसे इसके से स्पोर बनेंगे? क्लियर, बोलो जिसमें चल बीजाणु बनते हैं वो जू स्पोर, बोलो आपका अचल बीजाणु ऐसे। क्लियर, तो यहां पर मैं बता रहा हूँ टाइप्स। क्लियर, बोलो टाइप्स, और जो टाइप्स बता रहा हूँ वो किस बेसिस पर? स्पोर के बेसिस पे। क्लियर, बोलो कितने टाइप? पहला चल बीजाणु, बोलो चल बीजाणु द्वारा, मैंने कहा बाय जू स्पोर। क्लियर, क्या लिखा? बोलो बाय जू स्पोर। क्लियर, फिर क्या लिख रहा हूं? अचल बीजाणु द्वारा। क्लियर, अचल बीजाणु द्वारा बाय, मैंने कहा प्लेनोस्पोर। क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो प्लेनोस्पोर। क्या लिख रहा हूं? बोलो प्लेनोस्पोर। क्लियर, ओके, फिर मैंने लिखा यहां पर सुप्त बीजाणु द्वारा। क्या लिखा? बोलो सुप्त बीजाणु द्वारा। क्लियर, बोलो बाय हिप्नो स्पोर। क्लियर, क्या लिखा? बोलो भाई, मैंने कहा आपको हिप्नो स्पोर। क्लियर, क्या लिखा? हिप्नो स्पोर। क्लियर, पहला बताया चल बीजाणु द्वारा, अचल सुप्त, बोलो चतुषक बीजाणु द्वारा। क्लियर, चतुषक, बोलो बीजाणु बीजाणु द्वारा। क्लियर, बोलो भाई टेट्रा स्पोर। क्लियर, क्या लिखूंगा भाई? टेट्रा, टेट्रा स्पोर। क्लियर, बाय टेट्रा स्पोर। क्लियर, और एक नंबर फाइव पालमेला स्टेज द्वारा। क्लियर, क्या लिख रहा हूं यहां पर? मैंने कहा पालमेला, पालमेला, पालमेला अवस्था द्वारा। क्लियर, बोलो मैंने कहा बाय पालमेला स्टेज, बोलो पालमेला फेज, पालमेला, पालमेला फेज स्टेज, कुछ भी बोलू द्वारा। क्लियर, तो आपको मेरी बात समझ में? ये पांच से बोलो कैसा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में? मतलब एसेक्सुअल में अलग अलग टाइप किस बेसिस पर बनेंगे, बीजाणु कैसा है, बोलो बात समझ में? चल बीजाणु क्या होंगे? बोलो बोलो आपका फ्लेजिलेटेड होगा, मोटाइल होगा। अचल बीजाणु कैसा होगा? बोलो आपका नॉन मोटाइल और नॉन फ्लेजिलेटेड होगा। बोलो ये अनुकूल परिस्थितियों में बनेगा, ये एडवर्स कंडीशन विपरीत परिस्थितियों में बनेगा।
बात समझ में आए बोलो क्लियर। तो किस किस में एग्जांपल वो हम पढ़ेंगे, आपको मेरी बात समझ में? अब मैंने क्या कहा, जैसे हम एल्की फंजाई एक दो बार पढ़ लेंगे ना तो इन सब नामों से आपको प्यार हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ समझ में आए? बोलो बोलो, कभी किसी ने बोलो चल बीजाणु, अच्छा टर्मिनोलॉजी है ना, एक बार आपको टर्मिनोलॉजी आने लग जाएगी तो फिर अपने आप ही पता चलने लग जाएगा एसेक्सुअल में क्या पढ़ते हैं, सेक्सुअल में क्या पढ़ते हैं और वेजिटेटिव में क्या पढ़ते हैं। बोलो बात समझ में? जब एक बार एल्गी होगा तो अपना पिक्चर बन जाएगी फंजाई ब्रायट ट्रेडो सब में क्या पढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आए? तो पहली पहली बार नाम थोड़े अजीब लग सकते हैं, जिसको कभी पहले प्यार हुआ उसको तो फटाक से वापस हो जाएगा, जिसको नहीं हुआ उसको धीरे धीरे होगा। मैं क्या बोलूं, लेकिन होगा जरूर अगर वो घर पे जाके वापस पढ़ेगा। क्लियर? ये नाम तो सुने लाइफ में कभी? अगर सुने नहीं सुने बोलो, बोलते ही नहीं है। ए प्लेनो स्पोर, क्लियर? जू स्पोर, ए प्लेनो स्पोर, हाइपेनो स्पोर, ट्रेट्रा स्पोर, पाल्मेला स्टेज, क्लियर? क्लियर? बताऊं मैं? बोलो, ध्यान देना ठीक है, पहले दो बताऊंगा फिर दो फिर एक। बात समझ में आए? बोलो, एकदम सिंपल है। बोलो आपको क्या पढ़ने जा रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या बनेंगे? बोलो स्पोर बनेंगे। किसमें बनेंगे? बोलो स्पोरेंजियम में। फिर उन स्पोर में क्या होगा? जर्मिनेशन, और क्या बनेगा? नया थैलस। ये तो हो गई राज की बात, ये तो क्या हो गई? राज की बात। क्लियर? अब मुझे आपको अलग अलग टाइप बता रहा हूं, वो कैसे बता रहा हूं? वो है अलग अलग स्पोर के नाम पे। बोलो पांच टाइप बताया, पहला क्या बताया? जू स्पोर, क्लियर? फिर एप्लेनो स्पोर। तो इन पांचों के बारे में एग्जांपल बता दूंगा। ये थीम समझ में आई? बोलो कि एसेक्सुअल में होता है क्या, स्पोर बनेगा, बोलो जर्मिनेशन होगा और नया थैलस बनेगा। और एक ही प्लांट में, दो अलग अलग प्लांट में, एक ही प्लांट, और समझे कोई मेल फीमेल गैमेट ऐसा कुछ नहीं। ये सारा लफड़ा किस में है? बोलो सेक्सुअल में। बोलो बात समझ में आए? बोलो क्लियर, ओके। और जबकि वेजिटेटिव में कोई स्पोर बन रहे थे क्या? नहीं, ये पार्ट हटा या नया थैलस बन गया। और ऐसे ही हो रहा था ना, बॉडी का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट रिप्रोडक्टिव यूनिट में बदल रहा था। क्लियर, ओके। अब मैं दो बता रहा हूं, ध्यान देना।
अपने देखा, ठीक है, पहला लिखा मैंने चल बीजाणु द्वारा, क्लियर, चल बीजाणु द्वारा, बोलो मैंने कहा बाय जू स्पोर, क्लियर। बस 5 मिनट ध्यान देना, मैंने कहा जू स्पोर जो होंगे वो कैसे होंगे, मैंने कहा कसाबिक एंड चल बीजाणु होंगे, कैसे होंगे, कसाबिक और चल बीजाणु, मतलब फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल स्पोर होंगे, कैसे होंगे बोलो, फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल स्पोर होंगे, क्लियर, बोलो बात समझ में आई। और मैंने कहा अनुकूल अनुकूल परिस्थितियों, ठीक है, बोलो मैंने कहा बीजाणु धानी, बोलो बीजाणु धानी मतलब समझ के बोलो, बोलो बीजाणु धानी भी कैसी, चल बीजाणु धानी, क्लियर, जू स्पोरेंजियम, क्लियर, क्या लिख रहा हूं, जू स्पोरेंजियम, अरे समझे नहीं समझे, वापस देखो, ये तो मैंने जनरल लॉजिक बताया था आपको, बात समझ में। अब जब जो बीजाणु बन रहा है उसका नाम क्या है, चल बीजाणु, तो उसकी धानी का नाम भी क्या होगा, चल बीजाणु धानी। अगर बोलो जो स्पोर बन रहा है उसका नाम है जू स्पोर, तो बोलो जिसमें बनेगा उसका नाम क्या होगा, जू स्पोरेंजियम। जो स्पोर बनेगा बोलो एप्लेनोस्पोर, तो जो इसकी जिसमें बनेगा उसका नाम क्या होगा, एप्लेनोस्पोरेंजियम। और बोलो अचल बीजाणु धानी, बात समझ में, ये मैंने बेसिक लॉजिक बताया आपको, बात समझ में है, ओके। इधर ध्यान देना, मैंने कहा बोलो किसमें बना, बोलो अनुकूल परिस्थितियों में चल बीजाणु धानी में बनते हैं, क्या बनते हैं बोलो, क्या बनते हैं बोलो, जू स्पोर, जिसकी क्या खासियत होती है कि वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं, क्लियर। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा इन क्लेमाइडोमोनास, क्लियर, क्लेमाइडोमोनास, क्लियर, बोलो क्लेमाइडोमोनास, क्लियर, उसमें क्या बनते हैं, मैंने कहा बाई फ्ले, बोलो क्या बनते हैं, दो फ्लेजिला वाला क्या बनता है, जू स्पोर, क्लियर, जू स्पोर, क्लियर। मैंने कहा इन यूलोथ्रिक्स, बोलो क्या लिखा, यूलोथ्रिक्स, क्लियर, यूलोथ्रिक्स, उसमें क्या बनता है, चार फ्लेजिला वाला जू स्पोर, बोले तो इसमें दिखाऊं दो डंडे, इसमें दिखाऊं चार डंडे, और समझे समझे बोलो, क्लियर, बात समझ में, ये क्या बता रहा हूँ, स्पोर बता रहा हूँ, बात समझ में। और मैंने कहा इन उडो उडोगोनियम, क्लियर, उडोगोनियम, क्लियर, उडोगोनियम नाम सुना नहीं सुना, ये भी ग्रीन एल्गी होती, कौन होती बोलो, ग्रीन एल्गी, क्लियर, उडोगोनियम, क्लियर, इसमें क्या होता है, मल्टी मल्टी फ्लेजी फ्लेजी, मैंने कहा मल्टी बोलो फ्लेजी फ्लेजिलेटेड, बोलो क्या होते हैं, जू स्पोर, क्या होते हैं बोलो, जू स्पोर, वहां समझ में, मतलब समझ के, बहु फ्लेजिला वाला क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, बट ऑल आर फ्लेजिलेटेड, ऑल आर मोटाइल, तो सब क्या कहलाएंगे बोलो, जू स्पोर। पहला समझ में आया बोलो आपको, क्लियर। अच्छा मैंने लिखा यहाँ पर नंबर टू एप्लेनो स्पोर, क्लियर, एप्लेनो स्पोर, क्लियर, क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, नंबर टू बाय एप्लेनो स्पोर, अचल अचल बीजाणु, अचल बीजाणु बोलो द्वारा, क्लियर। तो सबसे पहले तो क्या बता रहा हूं, ये अचल बीजाणु एप्लेनो स्पोर की खासियत क्या होगी, नॉन फ्लेजिलेटेड और नॉन मोटाइल होंगे, क्या होंगे बोलो, नॉन फ्लेजिलेटेड नॉन मोटाइल, क्लियर। तो मैंने कहा पहले तो ये अचल बीजाणु, क्लियर, अचल बीजाणु की क्या करेक्टर होता है, एप्लेनो एप्लेनो स्पोर, क्लियर, क्या होते हैं, एकसाबिक, क्लियर, और अचल, क्लियर, बोलो क्या बोल रहा हूं मैं आपको, नॉन, मैंने कहा फ्लेजिलेटेड बोलो एंड नॉन मोटाइल, क्लियर, ओके। और फिर क्या बोल रहा हूं बोलो, प्रतिकूल परिस्थितियों में, क्लियर, प्रतिकूल परिस्थितियों में, क्लियर, परिस्थितियों में, मतलब जब भी एडवर्स कंडीशन होगी, क्लियर, बोलो वो तो क्या थी, फेवरेबल कंडीशन, ये क्या होगी, जब भी एडवर्स कंडीशन होगी, क्लियर, क्या होगी बोलो आपको, मैंने कहा एडवर्स बोलो कंडीशंस, क्लियर,
बोलो कंडीशन वर्स्ट कंडीशन में बोलो ये स्पोर स्पोर बोलो बनते हैं, क्लियर बनते हैं, बात समझ में। क्या इनमें फ्लैजिला होंगे क्या? नहीं होंगे, बात समझ में। तो ऐसा किस में होता है? मैंने कहा यूलोथ्रिक्स, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ यूलोथ्रिक्स जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब तो कैसा बनाता है? जो स्पोर बनाता है, और जब एडवर्स कंडीशन होती है तो कैसा बनाता है? बोलो एप्लेनो बोलो स्पोर बनाता है। और एप्लेनो स्पोर बनेंगे किसमें? मैंने कहा प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं, और किसमें बनते हैं? आप कहोगे अचल बीजाणु बीजाणु धानी, क्लियर बोलो में, क्लियर। अचल बीजाणु धानी मतलब समझ गए, एप्लेनो बोलो स्पोरेंजियम। आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो क्लियर। दो समझ में आए? बोलो क्लियर। ओके, ये मैं आपको थोड़ा समझा इसलिए रहा हूं कि थोड़ा आपको इसको प्यार होने लगे, बात समझो ना। बाकी ये चीजें ऐसी होती है जिस पे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते। थोड़ा समझ में आई मेरी बात आपको? क्लियर। ओके, ये पांच नाम लिख लिए थे, बोलो कि नहीं लिखे थे? लिख लिए थे? ओके, किया ये नोट? बोलो ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। कि बोलो फ्लैजिलेटेड तो है, लेकिन बाई फ्लैजिलेटेड जो स्पोर किस में बनता है? क्लेमाइडोमोनास में। टेट्रा फ्लैजिलेटेड या चार फ्लैजिला वाला जो स्पोर किस में बनता है? यूलोथ्रिक्स में। और मल्टी फ्लैजिलेटेड जो स्पोर किस में बनता है? उडोगोनिया। ऐसा एग्जाम में पूछ लेते हैं, बात समझ में आए? बोलो क्लियर। ओके,
दोनों में अंतर समझ में आया बोलो आपको, क्लियर? ये एप्लेनोस्पोर मतलब अचल बीजाणु, और वो क्या था बोलो, जूस्पोर चल बीजाणु। ठीक है, दो मिनट ध्यान देना, फिर दो बता रहा हूं। क्लियर? पांच नाम लिखाए मैंने आपको, अब क्या बताऊंगा, सुप्त बीजाणु, हिप्नोस्पोर। क्लियर? हटा दू? ठीक है, ध्यान दो, मैंने लिखा सुप्त बीजाणु। क्लियर? सुप्त बीजाणु। क्लियर? क्या बोलते हैं? हिप्नोस्पोर। क्लियर? ध्यान दो बोलो, सुप्त बीजाणु हिप्नोस्पोर कुछ नहीं होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैंने कहा मोटी मोटी भित्ति युक्त अचल बीजाणु। क्लियर? क्या लिखा मैंने बोलो, मैंने लिखा थिक, बोलो थिक, बोलो वॉल। ठीक है, ए प्लेनो स्पोर। क्लियर? क्या बोला मैंने आपको, जब एप्लेनोस्पोर की वॉल क्या होती है, बहुत ज्यादा मोटी होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, सुप्त बीजाणु। बात समझ में आया बोलो, क्या लिखा मैंने, थिक वॉल एप्लेनोस्पोर। क्लियर? ऐसा किसमें मिलता है, पेडीएस्ट्रम में। किसमें मिलता है बोलो, पेडीएस्ट्रम। क्लियर? बोलो किसमें मिलता है, पेडी पेडी एस्ट्रम में मिलता है। क्लियर? फिर मैंने लिखा टेट्रास्पोर, बोलो क्या लिखा, चतुष्क बीजाणु। क्लियर? बीजाणु। क्लियर? क्या लिखा मैंने बोलो, टेट्रा स्पोर। क्लियर? अब इसकी क्या पहचान है, कि मैंने कहा यदि स्पोर फॉर्मेशन बोलो, इफ स्पोर फॉर्मेशन किस पे होता है बोलो, डिप्लोइड प्लांट पे होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोर। बोलो आपको मैं कहूं कि यदि बोलो स्पोर क्लियर का निर्माण निर्माण बोलो द्विगुणित पादप। क्लियर? द्विगुणित पादप मतलब आपको मैंने कहा डिप्लोइड डिप्लोइड प्लांट। क्लियर? बोलो पर हो, तो उस स्पोर को क्या कहते हैं, चतुष्क, टेट्रा स्पोर कहते हैं। किसको कहते हैं, टेट्रा स्पोर। कभी पूछा जाए कि डिप्लोइड प्लांट पे जो स्पोर बनते हैं उसको क्या कहा जाता है, टेट्रा स्पोर। क्लियर? और इसका एग्जाम्पल होता है पोली साइफोनिया। क्या होता है बोलो, पोली साइफो पॉलीसाइफोनिया। नाम सुना नहीं सुना कभी बोलो? क्लियर? पॉलीसाइफोनिया इज अ रेड एल्गी। क्लियर? बोलो बात समझ रहे ना, नोट करोगे? हाँ स्पोर फॉर्मेशन ऑन डिप्लॉइड प्लांट। क्लियर? तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोर। और अब लास्ट कौन सा है बोलो, पाल्मुला स्टेज। क्लियर? क्लेमाइडो मोनास में मिलती है। ठीक है बोलो, वो भी बता देता हूं। ठीक है, मेरी बात समझ में आए बोलो आपको, ये साथ के साथ क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि अभी आपका स्पोर थोड़ा आपको माइंड में सेट हुआ हुआ था, मैंने कहा इंटरवेल कर दूंगा, कल बताऊंगा तो पता चला स्पोर तो वापस पीका पीका हो गया। और समझे ही समझे, नहीं समझ में आए बोलो? क्लियर? ओके,
सेक्सुअल में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सब फीलिंग्स आएगी। और समझे समझे, वो तो साइंटिफिक होता है, उसमें समझने में दिक्कत नहीं आती। मेल गैमेट फीमेल गैमेट बोलो, फ्यूजन हुआ हो गया। मेल गैमेट फीमेल गैमेट कैसे है, उस बेसिस पे ओगैमिन आइसोगैमिन एंड आइसोगैमिन, वो साइंटिफिक और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? इनसे जल्दी प्यार होता नहीं है। किससे बोलो? एसेक्सुअल से और वेजिटेटिव से। सेक्सुअल तो पूरा समझने का होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। क्लियर? ओके, तो अभी मैं क्या बता रहा हूं बोलो आपको, पाल मेला स्टेज अवस्था। क्लियर? मुझे पता बहुत सारे घड़ी देख रहे हैं बार बार। क्लियर? ओके, पाल बोलो, पाल मेला स्टेज। क्लियर? लेकिन क्या होता है, कोई चीज ऐसी होती है जो हम सीख रहे होते हैं, उसको पूरा सीख ले तो ही ज्यादा अच्छा रहता है। और समझे समझे बोलो। क्लियर? ओके, 5 बीजाणु का नाम लिख के छोड़ देता, रात को नींद नहीं आती किसी को, ये कैसे बीजाणु है। और समझे समझे, तो अब ठीक रहेगा, बात समझ रहे ना। ओके, तो पालमेला अवस्था किसमें मिलती है बोलो? मैंने कहा इन क्ले माइडोमोनास। क्लियर? बोलो क्ले माइडोमोनास। क्लियर? क्ले माइडोमोनास। क्ले माइडोमोनास। क्लियर? किसमें मिलती है बोलो? क्लेमाइडोमोनास। कुछ नहीं होता है बोलो इसमें, मैंने कहा निरंतर। क्लियर? निरंतर विभाजन, विभाजन होने होने से। क्लियर? होने से श्लेष्मा, श्लेष्मा का आवरण, आवरण आवरण आने आने से बोलो, से पाल मेला, पाल मेला अवस्था, ठीक है, बनती है। बनती है मतलब क्या? इधर देखो, मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पर ये, यहाँ पर इस तरह से एक्यूमुलेशन हो जाएगा बहुत सारे क्लियर स्पोर का, और बाद में उनका जर्मिनेशन होगा तो नए थैलस बनेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पाल मेला स्टेज। तो आपको एक ही काम की चीज है कि पाल मेला स्टेज से एसेक्सुअल किस में होता है बोलो? क्लेमाइडोमोनास में। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? कंटिन्यूअसली डिवीजन होने से और श्लेष्मा के आवरण आने से क्या बनती है बोलो? ये मैंने कहा कंटिन्यूअसली डिवीजन होने से, और बोलो म्यूसिलेजिनस कवरिंग। क्लियर? बोलो आने से क्या बनता है बोलो? मैंने कहा पाल मेला, पाल मेला, पाल मेला स्टेज बनती है। और ऐसा किस में मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्लेमाइडोमोनास में। क्लियर? तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई बोलो, एक वेजिटेटिव और एक एसेक्सुअल। क्लियर? सेक्सुअल में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो तो साइंटिफिक होता है, उसमें तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता है, इनमें ही प्रॉब्लम आती है। आया समझ बोलो? क्लियर? और यही सब चीजें हम फंगस ब्रायोफाइट बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे लगने लगेंगे। ओके, क्या इसका आइडेंटिकल एग्जाम्पल है? क्लेमाइडोमोनास। बोलो आइडेंटिकल। ये जितने भी एग्जाम्पल बता रहा हूं ना, ये मतलब इसकी पहचान कराते हैं। बोलो, बात समझ रहे ना? ओके।